देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भजनलाल सरकार आज यानी 17 सितंबर को प्रदेश में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और स्वच्छता ही सेवा अभियान आयोजित करने जा रही है। बता दें कि इस अभियान के सफल क्रियान्वयन और आम जनता को इससे जोड़ने को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार वाले जिलों में आज दौरे पर रहने के निर्देश दिए हैं। रतलाम में पीएम स्वनिधि अवार्ड कार्यक्रम आज यानी 17 सितंबर को भोपाल के मिंटो हॉल में होगा। बता दें कि इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस वाले नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद तथा बैंक अवार्ड से सम्मानित किए जाएंगे। आज यानी 17 सितंबर तक जीडीए के प्लॉट खरीद सकते हैं। बता दें कि नीलामी में शामिल होने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं मंगलवार के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के दिन में मध्य प्रदेश में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। बता दें कि इस अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा अभियान की भावना के साथ मनाए जाने वाले स्वच्छता पखवाड़े में कई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। रिवोल्ट मोटर्स आज यानी 17 सितंबर को अपनी नई इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करने जा रही है। बता दें कि इस मॉडल के साथ ही ब्रांड अपने इलेक्ट्रिक बाइक के पोर्टफोलियो को बढ़ाएगा। कामा कस्बा के श्री राधा बल्लभ मंदिर में आज यानी 17 सितंबर को सुबह 5 बजे ब्रजनगरी कामवन धाम की एक दिवसीय 12वीं सप्तकोशी परिक्रमा पदयात्रा शुरू होगी। बता दें कि आज सुबह 5 बजे से मंदिर परिसर से रवाना होगी पदयात्रा। सीकर में अनंत चतुर्दशी को भैरव जी के जन्म दिन पर आज चिरंजी पनवाड़ी स्थित आनंद भैरव मंदिर में जागरण होगा। बता दें कि जागरण मंदिर पुजारी नरेंद्र जोशी के सानिध्य में स्थानीय कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। गणेश विसर्जन के पर्व पर नगर निगम सीमा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगम क्षेत्र के सभी शराब दुकानों को आज यानी 17 सितंबर को बंद रखा जाएगा। बता दें कि दुकानें 16 सितंबर की शाम 5 बजे से बंद कर दी जाएंगी। भीलवाड़ा में 68वीं राज्य स्तरीय 17 व 19 वर्ष छात्रा छात्रा सेपक टकराव प्रतियोगिता आज से 23 सितंबर तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापनगर भीलवाड़ा में होगी। बता दें कि आयोजक उद्घाटन प्रतापनगर स्कूल में सुबह 10 बजे होगी। राजस्थान में 3 दिन से धीमा पड़ा मानसून एक बार फिर से एक्टिव होगा। बता दें कि मौसम विभाग की माने तो आज यानी 17 से 19 सितंबर तक प्रदेश भर में फिर से बारिश का दौर शुरू होगा। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। आज के दिन सन 1688 में फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। आज के दिन 1789 में अमेरिका में अटॉर्नी जनरल का कार्यालय बनाया गया। आज के दिन 1948 में होंडा मोटर कंपनी की स्थापना की गई। आज के दिन 1950 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म हुआ था। आज के दिन 1992 में भारत के भूतपूर्व 13वें मुख्य न्यायाधीश सर्वमित्र सिकरी का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।